अब स्कॉर्पियो एन के आपने 4x4 वाले रिव्यूज या प्रॉपर रिव्यूज तो बहुत ज्यादा देख लिए होंगे, लेकिन बारी आती है कि फैमिली रिव्यू की। आज मैं नहीं, मेरी फैमिली रिव्यू करेगी। हम जा रहे हैं जलंधर से पालमपुर एंड स्कॉर्पियो एन में ट्रेवल करेंगे, सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताएंगे कि जेन्युइनली एक फैमिली कार है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और ये है मेरी फैमिली। हम चलते हैं आज एक ट्रिप पे जिसके सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं इनका ज्यादा रिव्यू होगा, मेरे से ज्यादा ये अपना फीडबैक देंगे। एक आइडिया देने के लिए, अभी हमारे पास एक XUV300 है, ऑल्टो है, एक i10 है और एक बलिनो जो हम पर्सनली यूज करते हैं। तो बेसिकली एक कॉम्पैक्ट SUV और साथ में मिल जाती है 3 हैचबैक, तो ये सबसे बड़ी होगी जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं खुद। तो इसका एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। ऐसे अफगानिस्तान नैनीताल, वेरी गुड नैनीताल। ये कह रहा था तब वो कहां में पैराग्लाइडिंग। चलो नैनीताल एल नावला पापा ऐसे ऐसे ये बड़ा तंग किया है अहमदगढ़ एच से हरिद्वार आसे राज्य इटावा। तो हम बड़े आराम से आ रहे हैं, 2 घंटे लग गए, सिर्फ 80 किलोमीटर कवर किया, पंजाब खत्म करने में इतना टाइम लग गया। बट पंजाब में ऐसा था ना कि पंजाब में थोड़ा आदमपुर से लेके होशियारपुर तक की जो रोड थी वो खराब थी, काफी खराब थी। पैचेस उससे ज्यादा स्पीड तो पहाड़ों में बन रही है वो, उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन अदरवाइज कंफर्ट ठीक था गाड़ी में, एज सच कंफर्ट में कमी नहीं थी। हमारे खड्डे होने के बावजूद भी वी वर क्वाइट ओके। मतलब रिव्यू वीडियोस देख-देख के आपको पता है कैसे वर्ड्स यूज करने हैं। यस आई नो। और पीछे सामान रखा हुआ बिल्कुल इतना खुला रखा हुआ है कि बाद में हमें कंजेस्ट करना पड़ा कि आप हिले ना। ईशा आपको कैसा फील हो रहा है? हैवी सी लग रही है कार। हैवी? हैवी लग रही है। अच्छा। वही सी लग रही है कार। बड़ी भी लग रही है, स्पेशियस है। कंफर्टेबली बैठे हो आप पीछे? यस। लेकिन मम्मा अभी ये कमी के बारे में बता रहे थे। हाँ, जब साइड में हम लोग वो पॉकेट में हाथ डालना चाहते हैं ना बॉटल उठाने के लिए, या पॉकेट नहीं, डोर साइड की जो डोर साइड की जो स्टोरेज है, तो उसमें जो हाथ जब जाता है ना तो वो आपका हाथ टाइटली जाता है अंदर, बिकॉज वो सीट के साथ एंटेंगल सा होता है। तो वो थोड़ी सी स्पेस, मेरे ख्याल स्पीकर आगे किए हुए हैं इस गाड़ी में ना, तो स्पीकर आगे होने की वजह से वो पीछे होगी, फिर सीट के साथ टच कर रही है तो आपका हाथ प्रॉपरली नहीं जाता वहाँ पे। चढ़ाई के वक्त भी ज्यादा आवाज नहीं करती है जैसे वो गियर शिफ्ट, गियर तो इसका है नहीं है, बट जो भी इसकी स्पीड अप या डाउन होती है चढ़ाई उतराई में उसकी आवाज चेंज। हां ये पॉइंट अच्छा कहने वाला, पता नहीं चलता हमें कि चढ़ाई चढ़ रही है जो उतराई कर रही है। बेसिकली एक्चुअली क्या है, इतना बड़ा इंजन है ना, 2.2 लीटर का, टॉर्क भी बहुत है, तो स्ट्रगल नहीं करता बिल्कुल भी, कन्वीनिएंटली वो आराम से चढ़ाई कर लेता है। और ये भी अच्छा, हम सारे पतले पतले से तो हैं, वेट कितना का हमारा है ही नहीं, मोटी तो पंजाबियों का वेट भी कम ही होता है परांठे खाए होते हैं तो इसलिए वेट कम होता है पंजाबियों में। हाँ, वैसे हमने परांठे खा लिए हैं अभी, अब हम देखते हैं, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, ब्रेकफास्ट नंबर 2 हुआ अभी, मैंने तो सुबह सैंडविचेस खाए थे उसके बाद हमने परांठे खा लिए, अब देखते हैं। तूने तो परांठा थोड़ा सा ही खाया है। खाया तो है।
गाइज मैं आपको माइलेज दिखाना चाहता हूँ 10.6 KMPL जो हम चढ़ाई करके आए हैं पूरी हार्श। अब हमारी जो उतराई है वो शुरू होने वाली है, तो फिर देखते हैं कि एवरेज माइलेज क्या आती है दोनों को मिला के। स्वागत है आपका डे टू में। आज हम वो करने जाएंगे जो सारे पालमपुर में करने आते हैं लोग, बीर बिलिंग पे हम जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने। गाड़ी देखो चमक तो नहीं रही है, इतनी अच्छी साफ करनी मुझे नहीं आती, बट फायदा ये है ब्लैक कलर होने का कि जितनी साफ होगी वो अच्छी लग रही है, बट ब्लैक कलर उतनी ज्यादा गंदा भी होता है, बट ऑफकोर्स दिखने में तो अच्छी लग रही। साफ होगी, हो गई। स्कोर मैं अपने आपको देता हूँ 8, बाकी आपको जो स्कोर देने दे सकते हैं, बट ठीक है इतनी साफ है कि आपको शायद वीडियो में ज्यादा गंदी ना लग रही हो। चलो आज हम चलेंगे बीर बिलिंग, उसका रास्ता थोड़ा सा आज जितना मैंने सुना है थोड़ा और ज़्यादा एडवेंचरस है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पालमपुर, तो तब तक आते हैं तो वो चेकआउट करते हैं, उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। हिमाचल का रेट 85.41, 3000 में 35 लीटर्स आ गया। आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करती हूँ। हमने डे वन से स्टार्ट किया जलंधर से पालमपुर, 6 घंटे की ड्राइव थी। रास्ते में खड्डे वगैरह भी आए, बट इतना ज़्यादा इसका सस्पेंशन अच्छी थी और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी थी कि हमें खड्डे फील नहीं हुए। मोरओवर हमें गाड़ी ऊंची वाली फील दे रही थी, तो सामने गाड़ियां जो चल रही थी वो छोटी छोटी लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरी वैसे भी स्कॉर्पियो बड़ी फेवरेट गाड़ी रही है, लेकिन पुरानी वाली स्कॉर्पियो जो थी उसमें मैंने ज़्यादा ड्राइव की हुई थी, लेकिन इसमें जब हमने ड्राइव किया ना और राइड ली इसकी, दैट वाज वेरी मच एंजॉयबल। और उसमें ये था कि अपडेटेड हो गई है, फीचर्स नए आ गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। पहले वाली गाड़ी में स्कॉर्पियो में फीचर्स नहीं थे, तो फर्स्ट डे जो हमारा था इट वॉज लाइक दिस। थैंक यू। डे वन में हमने सौरभ वन विहार है वहाँ पे पालमपुर में, बहुत अच्छा था, उसमें अच्छी राइड मिली हम लोगों को। और जब जहाँ पे हम गए वो थोड़ी नैरो गलियाँ भी बीच में आती थी, बट इट वाज वेरी गुड एंजॉयबल राइड, हैंडलिंग बहुत अच्छी थी। अब आया अगला दिन। अगले दिन क्या था, हम सुबह उठे, पहला चैलेंज आया, ब्लैक गाड़ी अच्छी तो बहुत लगती है, सच्ची लवेबल, लेकिन क्या है बारिश होने की वजह से उसके ऊपर स्पॉट्स बन गए, गंदी हो गई गाड़ी, और कार वॉशर कोई था नहीं, कार गैरेजेस जो वॉशिंग पॉइंट्स थे वो दूर थे, तो ऋषभ ने खुद ही गाड़ी साफ की, लेकिन साफ करते हैं तो ब्लैक चमकती भी एकदम से ब्राइट हो जाती है, बहुत अच्छी लगी। फिर हम लोगों ने वहाँ से राइड स्टार्ट की, तो रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा रास्ता था, थोड़ा टफ भी था लेकिन एडवेंचरस था, अच्छा लगा वो रास्ता। बीर जब पहुँचे तो 1 घंटे का रन था तकरीबन, पता ही नहीं चला खेलते खिलाते बातें करते करते कैसे हम लोग यहाँ पहुँच गए बीर। जब हम आए बीर की गलियों में, तो वहाँ गलियाँ इतनी तंग, लेकिन एडवेंचर करना था, पैराग्लाइडिंग करनी थी, एडवेंचरस गाड़ी और एडवेंचर हमारा एक नया ऐड हुआ लाइफ का मोस्ट एडवेंचरस थिंग, तो हमने आगे उसके लिए जाना था, तो हमें पहले तो
सर्च करना था कि किसके साथ जाए, बिकॉज सेफ्टी बहुत जरूरी थी वहां पे। तो हमने कईयों के साथ पता करके थोड़ा आगे बढ़े, तो पैराग्लाइडिंग जो ये है यहाँ की बीर ब्लिंक की, बीर से ब्लिंक तक लेके जाते हैं वो लोग, तो वो जो पैराग्लाइडिंग है वो एशिया की हाईएस्ट और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग है। 15 या 20 मिनट की ये फ्लाइंग होती है, लेकिन इतनी एडवेंचरस है, इतनी लवेबल है। एक बार बस आपको चढ़ना मुश्किल लगता है थोड़ा सा, उसके बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो ना, ऐसे लगता है, सच्ची फीलिंग आती है कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। लिटरली वो अलग ही काइंड की फील है और हर बंदे को लेनी चाहिए, बिकॉज इतनी अच्छी फील जो हम फ्लाइंग की, एक तरह से ये लगता है कि हम लोग बर्ड बन गए हैं और हम उड़ रहे हैं हवा में। तो बहुत अच्छा लगा और गाड़ी ने तो बहुत कमाल कर दिया, दिखाया हमें। जब बीर की गलियों में आके मैं सच्ची थोड़ा सा परेशान हो गई थी, मुझे ये लग रहा था कि इतनी तंग गलियां और इतनी ड्राइविंग कैसे करेगा। तो ऋषभ ने बताया कि मामा इसका स्टेयरिंग जो है ना वो बहुत लाइट है, तो मैं गाड़ी को बड़े अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ, हैंडलिंग ईजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन टर्न लेने हैं जब एकदम से स्टीप चढ़ाई है, डिफिकल्टी तो आती है। मोर ओवर वैसे भी जब हम लोग प्लेन्स में रहते हैं तो पहाड़ों के इतने यूज टू नहीं होते, बट इसने बहुत अच्छा साथ दिया। आज है day 3, हम लोग आए हैं बीर के लैंडिंग पॉइंट में, जहाँ पे हमने लैंड किया था आफ्टर फ्लाइंग। तो इस जगह की खास बात क्या है कि पहाड़ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और ग्राउंड बहुत अच्छा है। कल ही हमें बहुत अच्छा लगा था, हमने सोचा था सुबह सुबह आके ना तो यहाँ पे हम शूट करेंगे। तो यहाँ अभी सनराइज हुआ भी नहीं है, हम लोग पहले ही आ गए हैं ताकि हम गाड़ी का यहाँ पे थोड़ा शूट कर सकें और इस जगह को और एंजॉय कर सकें। अब जलंधर से पालमपुर से बीर, बीर से वापस जलंधर का ट्रिप हुआ 471 किलोमीटर का टोटल, और 28 किलोमीटर की एवरेज स्पीड, पहाड़ों में यही स्पीड रह जाती है वैसे मैंने देखा। टाइम 16 घंटे टोटल ड्राइव टाइम जाना और आना और ऑफकोर्स वहाँ रहने का, लेकिन माइलेज आपके मन में आएगा। रुको दिखाता हूँ, 15.4 किलोमीटर/लीटर की माइलेज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें आना जाना ऑफकोर्स यानी कि चढ़ाई और उतराई दोनों है। चढ़ते टाइम 10 किलोमीटर के आसपास की माइलेज आई थी और अब टोटल आपको 15.4 किलोमीटर की मिल गई। दैट्स रियली रियली नाइस। कैलकुलेशन करके यहाँ लिख देता हूँ कितनी कॉस्ट में कितने किलोमीटर कवर किए पहाड़ों के। अब ओवरऑल स्कॉर्पियो एन के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा, फैमिली को भी अच्छा लगा। आपको ये स्कॉर्पियो एन कैसी लगी, ये रिव्यू कैसा लगा, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताएं कि इस तरह और कौन सी गाड़ी का रिव्यू आप देखना चाहेंगे जिसको थोड़े ट्रिप पर लेके जाया जाए, माइलेज टेस्ट के साथ साथ फैमिली रिव्यू किया जाए। What do you think? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर दे। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द स्कॉर्पियो एंड डिटेल्ड फैमिली रिव्यू। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पालमपुर जाएं तो पैराग्लाइडिंग जरूर करके आना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।